नमस्ते, आप सबने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने हेरिटेज साइट्स के बारे में आपको बताया, वो क्यों हेरिटेज साइट्स है इसके बारे में हमने बात की। हम सब हेरिटेज साइट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट नेचुरल हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। इसी वजह से हमने ये सीरीज़ की शुरुआत की है, ताकि हम हमारे कंट्री की नेचुरल हेरिटेज भी जान सकें। वीडियो शुरू करने से पहले हम उन सारे लोगों को शुक्रिया कहना चाहते हैं जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए फ़ोटोग्राफ्स प्रोवाइड किए। और ऐसे ही अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीचे ईमेल आईडी दिया है, वहां हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे पहले नेशनल हेरिटेज के बारे में बात करने वाले हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके पहले जान लेते हैं नंदा देवी क्या है। नंदा देवी एक माउंटेन पीक है उत्तराखंड में चामोली डिस्ट्रिक्ट में। ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। सबसे हाईएस्ट आप सबको पता है कांचनजंगा है। पर दोस्तों, कांचनजंगा तो सिक्किम में आता है और 1975 के बाद में सिक्किम इंडिया में आया है। तो इसके पहले तक नंदा देवी हमारा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक था। और कांचनजंगा नेपाल और इंडिया के बॉर्डर में आता है, तो जो कम्प्लीटली इंडिया में है ऐसा ये हाईएस्ट पीक है। एंड ये 23rd हाईएस्ट है वर्ल्ड में। नंदा देवी में दो पीक्स है, एक पीक का नाम है नंदा देवी, दूसरे पीक का नाम है सुनंदा देवी। ये दो पीक्स है जिसमें से नंदा देवी ये हायर पीक है। उत्तराखंड में दो इंपॉर्टेंट रीजन्स है, कुमाऊं और गढ़वाल। आप सब जो वाइल्ड लाइफ के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, आई एम श्योर आप सब ने जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ी है, तो इन किताबों में कुमाऊं और गढ़वाल इनका कई बार डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इन्हीं एरिया के कई ऐसे फोकलोर्स हैं, कई ऐसे कहानियां हैं, और आई एम श्योर आप सबको भी कहानियां सुनना पसंद है। हम ज़रूर इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, पर आज हम ब्रीफ में जान लेते हैं नंदा देवी के बारे में। तो आज यहाँ की एक कहानी सुनेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल एरिया के लोगों में नंदा देवी माता को इष्ट देवी माना जाता है, और 12 साल में एक बार यहाँ नंदा देवी राज जात होता है। गढ़वाली भाषा में जात मतलब यात्रा, और ये 12 साल में एक बार निकलती है, और पिछले बार 2014 में ये यात्रा निकली थी। गढ़वाली भाषा में ध्यानी मतलब बेटी। तो कुछ कहानियों में ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत से जब नंदा देवी माता अपने मायके आती है, तो 12 साल में एक बड़ी यात्रा होती है, जब सारे गांव वाले, कुमाऊं और गढ़वाल इन रीजन में रहने वाले सारे लोग इस यात्रा में जुड़ जाते हैं, और एक बड़ी यात्रा होती है जब माता वापस कैलाश वापस जाने वाली होती है। और इस यात्रा की अगुवाई करता है एक खाड़ू, खाड़ू यानी वहाँ का माउंटेन शीप या मेंढा। और इस मेंढे को उस यात्रा में सामने रखा जाता है, और जो भक्त इस यात्रा में आते हैं कई ऑफरिंग्स उस मेंढे को करते हैं, और सबसे आखिरी में इस मेंढे को छोड़ा जाता है। तो ये काफ़ी एक बड़ा उत्सव होता है, और पिछला ये 2014 में हुआ था। अब 12 साल बाद ये यात्रा होगी, जो एक बड़ी यात्रा होती है। We saw the history of the park and without a doubt it has a rich cultural heritage. But why is it a natural heritage site? That is because the Nanda Devi and Valley of Flowers National Park is home to many rare and endangered species. Species of not just fauna but flora as well. The Nanda Devi peak is the second highest peak in India. And being the second highest peak, it has some of the most spectacular high altitude landscapes with breathtaking views. This definitely calls for being a World Heritage Site. But why is this important? What is its natural significance that it is called the World Heritage Site? Let's take a look. Both Nanda Devi and Valley of Flowers have a rich diversity of flora and fauna. But at the same time, the Nanda Devi Peak and the Valley of Flowers are a great complement to each other. The Nanda Devi Peak is a remote wilderness surrounded and protected by various amazing topographical features such as glaciers and alpine meadows, whereas the Valley of Flowers is an easy to access high altitude Himalayan valley covered with the alpine flora. Because of high altitude habitats,
This park has a significant number of flora and fauna, including some threatened mammals as well. Valley of Flowers is a representative of the Western Himalayan Biogeographic Zone. It is internationally important for the diverse alpine flora. So there is a thing called the endemic bird areas, commonly known as EBAs. One of those endemic bird areas is the Western Himalayan Endemic Bird Area, usually known as Western Himalayan EBA. The Nanda Devi Biosphere Reserve is completely under this Western Himalayan EBA. Western Himalayan EBA is home to 7 restricted range bird species. Apart from this, क्या आपको पता था कि नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स में 1983 से टूरिज्म बैंड है? वेल, इट्स नॉट कम्प्लीटली बैंड, बट इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड. बीइंग द हाईएस्ट पीक, नंदा देवी पर समिट करने वाले ट्रैकर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी. इवेंचुअली इन 1983 द टूरिज्म वॉज कम्प्लीटली बैंड एंड देन लेटर इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द नेशनल पार्क. इस टूरिज्म को कम्युनिटी बेस्ड और रेस्ट्रिक्टेड रखा गया है आफ्टर 1983. सो इससे एडवांटेज क्या हुआ? इससे एडवांटेज ये हुआ कि वहाँ का एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर बहुत कम हो गया. नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर? एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर मींस द फुटप्रिंट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, सम एक्टिविटीज दैट आर ह्यूमन बेस्ड सच एज फार्मिंग, फिशिंग, टूरिज्म एट्सेट्रा. सो ये एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ की जो नेचुरल प्रोसेसेस है उन्हें अपना टाइम मिल रहा है. इजन दैट अमेजिंग? दैट इज एग्जैक्टली हाउ द एनवायरनमेंट शुड बी एक्नॉलेज्ड. लेट अस लुक एट द बायोडायवर्सिटी, द फ्लोरा फौना ऑफ दिस नंदा देवी नेशनल पार्क. इन इंडिया वी कैन सी 3 स्पीशीज ऑफ बेयर, आउट ऑफ विच 2 स्पीशीज ऑफ बेयर कैन बी सीन इन द नंदा देवी नेशनल पार्क. So the first one is the Himalayan black bear, also known as the moon bear. It gets this name because of the moon-like white mark on its chest. And the next bear species found here is the Himalayan brown bear, which is again a sort of uncommon bear that can be seen in India. Another animal is the bharal or the blue sheep. Now it gets this name because of this bluish sheen that can be seen on its coat. आप में से कई लोगों ने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा एंड बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये सच नहीं है या फिर दिस इज जस्ट अनादर माइथोलॉजिकल क्रीचर कि एक डियर होता है जिसके बेली में से बहुत खुशबूदार एक सुगंध आता है. So this actually exists and these deers are called Himalayan musk deer or white-bellied musk deer. So they have this substance, waxy substance in their belly which is called musk, and they use it to mark their territories and also to attract the females. And this musk is also used to make different kinds of perfumes and also in medicine. And another very famous mammal or a cat that can be seen in this national park is the snow leopard. Snow leopard is also called as the ghost of the mountains by many of the wildlife enthusiasts. This national park is place for many varieties of ungulates. Ungulates are the ones, are the animals that have hooves. Just like the feet of cattle and horses, they have hooves, they don't have toes. So this place has variety of such animals. So here are some of the EBA bird species that can be seen in this area. They are Himalayan quail, Western tragopan, cheer pheasant. This place is known for the galliforms that can be seen here. Galliforms are the birds which are very heavy, just like the quail, cheer pheasant that we saw. So all the pheasants, all the tragopans, all the quails, francolins are considered as the galliforms, and there are a lot of galliforms that you can see in this area. Valley of Flowers is known for the amazing blooms of flowers on the mountains, and some of the flowers that you can see in Valley of Flowers are these.
around 498 species of flowers that can be seen in this region. And the flora it mainly cover is mainly covered by the birch trees, the fir trees, rhododendrons, and the junipers. Alpine meadows that are present throughout this area are very significant throughout the world.